राजस्थान के श्रीगंगानगर लोकसभा सीट पर कल होने वाले मतदान के लिए ईवीएम मशीनों को हरी झंडी देकर रवाना कर दिया गया है। इसी के साथ मतदान करवाने के लिए 8000 क्रमिक रवाना किए गए हैं, जो मतदान को संपन्न करवाएंगे। वहीं आपको बता दें, मतदान के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस, बीएसएफ सहित अन्य एजेंसियों के जवान तैनात रहेंगे। लोकसभा आम चुनाव 2024 में गंगानगर संसदीय क्षेत्र में कल 19 अप्रैल को मतदान है, उसके लिए आज हमारी पोलिंग पार्टीज जो हैं रवाना हो रही हैं। पांच जो विधानसभा क्षेत्र हैं इस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत, उसकी पोलिंग पार्टी आज यहां से रवाना हो रही है। तीन की पोलिंग पार्टी सूरतगढ़, रायसिंह नगर और करणपुर के मॉर्निंग शिफ्ट में, और गंगानगर और सादुल शहर विधानसभा क्षेत्र की पोलिंग पार्टी अभी रवाना हो रही है। थर्ड ट्रेनिंग भी आज उनको यहां दी गई है, साथ ही डूज एंड डोंट्स के बारे में वापस बताया गया, मुख्य मुख्य क्या बिंदु हैं आज वहाँ जाने से लेकर यहाँ कल रिसीव करने तक, मशीनें क्या क्या उनको करना है उसके संबंध में भी डिटेल में हमारे मास्टर ट्रेनर्स ने भी बताया और मैंने भी उनको एड्रेस किया है। अभी वो मशीनें लेंगे, अपनी पूरी सामग्री चेक करेंगे, यहाँ से रवाना होंगे और कल पोल शांतिपूर्ण तरीके से करा के यहाँ वापस आएंगे। इसके लिए हमारी पूरी तैयारियाँ हैं और हमारे सभी काउंटर्स भी हैं, यहाँ फैसिलिटेशन सेंटर भी है। जो भी पोस्टल बैलेट से वोट करने के से रह गए थे उनके लिए ये वो भी सुविधा दी गई है, साथ ही मेडिकल की भी सुविधा यहाँ है, पूर्ण सुविधाएँ यहाँ हैं और सभी लोग अपने यहाँ से जाकर वहाँ मशीनें अपने काउंटर से प्राप्त कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर मुझे आशा है कि हम 100% निष्पक्ष तरीके से, भयमुक्त वातावरण में, एरर फ्री चुनाव को संपूर्ण कराएंगे।